चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या, मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ये पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, और ये वाला पॉइंट है मान लो एक्स टू वाई टू, ठीक है भाई। और बीच में कोई पॉइंट है एक्स वाई। सेक्शन फार्मूला क्या है कि अ पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन एम इज टू एन रेशियो, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ये पॉइंट है, ये इस वाले लाइन को जो इस दोनों को ज्वाइन करके एम इज टू एन रेशियो में, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये पार्ट एम है, ये पार्ट एन है, तो ये क्या हो जाएगा सेक्शन फार्मूला, ये एक्स। आपको पता है एक्स क्या होता है, अवशिष्सा। एक्स के लिए इधर से एक्स वन उठाओ और अवशिष्सा के लिए अवशिष्सा उठा लो। एक्स वन को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और एक्स टू को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, है ना। बीच में प्लस डालना और फिर एम एक्स टू अपॉन, पहले तो एक्स वन को ढंग से लिख दूँ मैं और एक्स टू को भी ढंग से लिख दूँ पहले, ठीक है ना। और यहाँ पे एम प्लस एन, उसी तरीके से वाई निकालना सेम। इस वाई वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एन से, एन वाई वन प्लस एम वाई टू अपॉन एम प्लस एन। ये हो गया सेक्शन फार्मूला। इसमें ये जो पॉइंट है ना, ए और बी को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, इसके अंदर ही है, एक्सटर्नली का भी बताऊंगा, फिलहाल तो ये। अब ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। अब जरा देखो इस पर एक दो क्वेश्चंस मैं करा दूं ताकि फार्मूला क्लियर हो जाए आपका। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है ए और ये बी, ये पॉइंट है फोर वन और ये पॉइंट है सेवन माइनस टू। एक उस पॉइंट को फाइंड आउट करो जो इसको थ्री इज टू फाइव रेशियो में डिवाइड करता है, या थ्री इज टू टू रेशियो में डिवाइड करता है ना। ये जो P है ना, डिवाइड्स ए बी इंटू थ्री इज टू टू इंटरनली। इस पॉइंट को कुछ भी लेट कर लो, ए बी एक्स वाई, एक्स अवशिष्सा। एक्स के लिए सारे एक्स वाले को देखो, इधर से फोर को देखो, इस फोर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू से, इस वाले डिस्टेंस से। और एक्स के लिए अवशिष्सा शुरू वाला थ्री से, तो सेवन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, थ्री से अपॉन ये टोटल डिस्टेंस थ्री प्लस टू। वाई इसके बाद आपको पता है सॉल्व कर देना है, वाई वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू से, तो वन इंटू टू प्लस, माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस टू को थ्री से अपॉन क्या, थ्री प्लस टू। बस ये यहाँ से आंसर आ जाएगा, एक्स और वाई दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखो क्या होता है, अब देखो जाना। एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन y-axis which divides the line segment joining by the points 3, 2 and 4, minus 3। जिन्हें बाजू में लिख दिया, वाई एक्सिस है ना 3, 2, और एक काम करता हूँ माइनस 4, 3 लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स दिस। कहने का मतलब कि ये लो वाई एक्सिस है ना, और ये दो पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट क्या है, 3, 2, है ना। मैंने सेगमेंट के हिसाब से, वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिया नहीं, अपने मन से कुछ भी ले लिया। ये दो पॉइंट हैं, इसको ज्वाइन करने पे एक लाइन आ गया, देख रहे हो ए बी। ये वाई एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इनको, या फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच डिवाइड्स, हाँ कौन सा पॉइंट इनको डिवाइड करेगा। इस दोनों को ज्वाइन करोगे तो वाई एक्सिस के किस पॉइंट पे टकराएगा। आपको पता है वाई एक्सिस पे पॉइंट कैसे लेते हो, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, तो लेट कर लिया कि वो पॉइंट हमने क्या कर लिया, 0 वाई। वाई एक्सिस का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने का जो लाइन है ना, उसको डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट मैंने क्या लिया, 0 वाई। और रेशियो ले लो एम इज टू एन, रेशियो ले लो एम इज टू एन। तो इसको केस, अगर जब रेशियो की बात करो ना, तो केस टू वन ले लेना। जरा समझो मैं क्यों ले रहा हूँ, एम इज टू एन, एन से दोनों तरफ डिवाइड कर लो वन, इसी को मैं के मैंने कह दिया, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। के क्या हो गया, एम अपॉन एन, तो के इज टू वन। ऐसा रेशियो जब भी निकालेंगे लेके आना, तो ऐसा जाना।
अब यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पहले मैं जीरो लेता हूँ, जीरो एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो थ्री को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, वन से, थ्री इंटू वन प्लस, माइनस फोर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, के से, माइनस फोर के अपॉन क्या, के प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि मुझे के निकालना, सबसे पहले के निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो अपॉन क्या, थ्री माइनस फोर के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, उधर लेके जाओ थ्री बाई फोर, तो रेशियो क्या हो गया, थ्री टू फोर, रेशियो क्या हो गया, थ्री टू फोर हो गया नहीं, खैर अगर रेशियो खाली पूछता तो थ्री टू फोर हो गया, लेकिन y निकालना है, पॉइंट पूछ रहा है y, तो y के लिए y को कहते हैं ऑर्डिनेट, तो y वाला लो, तो 2 y एक्सिस 2 है, इधर y एक्सिस 3 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, और उधर 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, k से अपॉन क्या, k प्लस 1, अब k की जगह क्या रखने वाले हो, k की जगह क्या रखने वाले हो, क्या आ गया था 3 बाई 4, 3 बाई 4 अपॉन 3 बाई 4 प्लस 1, इसको आप सॉल्व करके देखिए, 4 टू जा 8, 17 आ गया और नीचे 7 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, कौन सा पॉइंट है, तो आंसर हो गया 0 और 70/7, समझ रहे हो बात को, और क्वेश्चन देखिए और ध्यान से सुनो, इसको बार बार रिमाइंड करके देख लेना, सेक्शन फार्मूला पता ही चल ही गया होगा, अगर मैं यहाँ पे क्या ना कि कौन सा एक्स एक्सिस का ऐसा कौन सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ है ना, और यहाँ पे लेता हूँ 2-5, एक्स एक्सिस का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है, तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये दोनों पॉइंट लिया, एक ए ले लिया मैंने 3-2 और एक बी मैंने ले लिया ये वाला पॉइंट 2-5 है ना, ये रहा एक्स एक्सिस और कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, एक्स एक्सिस के पॉइंट कैसे लेते हो, एक्स जीरो, एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0 होता है, एक्स जीरो, ठीक है। अब ये किस रेशियो में, ए बी किस रेशियो में, पहला वाला के सामने के डाल दो, के इज टू वन, एम इज टू एन की जगह क्या लिख दो, के इज टू, तो बहुत बातें बोलेंगे ना, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इंटू के इज टू वन इंटरनली, मतलब के इज टू वन में डिवाइड कर रहा है। अब जरा एक काम करो, मैं एक्स लेता हूँ, एक्स 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 का मतलब पहला वाला पॉइंट, तो सारा पहला वाला पॉइंट देखोगे, अपशिष्टा के लिए अपशिष्टा देखोगे, थ्री और टू, इस थ्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वन से, थ्री इंटू वन, और फिर इस टू को किससे मल्टीप्लाई करोगे, के से, तो टू के अपॉन के प्लस वन, आपको लगता है यहाँ से के निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, हमें तो एक्स ही नहीं पता, तो दूसरा वाला पॉइंट लेता हूँ जीरो, वाई एक्सिस वाला जीरो, तो जीरो के लिए क्या लोगे, जीरो सारा देखो, जीरो के लिए इधर टू है, उधर माइनस फाइव है, नहीं माइनस फाइव टू, टू को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वन से, टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, माइनस फाइव को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस फाइव को के से, के अपॉन के प्लस वन, तो यहाँ से के निकल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो इक्वल टू क्या हो गया, टू माइनस फाइव के, तो यहाँ से के निकाल के देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बाई फाइव, तो रेशियो पता चल गया, टू इज टू फाइव, रेशियो टू बाई फाइव का मतलब टू इज टू फाइव, इसका मतलब ये। अब पॉइंट आपसे पूछ रहा है ना कि कौन सा पॉइंट, रेशियो पूछता तो हो गया आंसर, लेकिन कौन सा पॉइंट है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तो पॉइंट तो वहाँ से पुट कर लो, x इक्वल टू क्या था, ये देखो x निकालना है, थ्री प्लस टू के अपॉन क्या, k प्लस वन, तो k की जगह क्या रखने वाले हो, थ्री प्लस टू इंटू टू बाई फाइव अपॉन टू बाई फाइव प्लस वन, तो फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन नाइनटीन अपॉन सेवन, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया हमारा आंसर, देना होता है पॉइंट तो x जीरो, x क्या हो गया 19/7 और जीरो, ये हो गया हमारा आंसर, बात समझो, इस टाइप का है ना, अगर दोबारा पूछना होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब जरा देखो क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ, मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट है ना, ये देखो ये है ए एक्स वन वाई वन, बीच में कॉमा, बी एक्स टू वाई टू, और ये पी है एक्स और वाई, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब ये वाला 10 है तो ये वाला 10, ये वाला 1000 है तो ये वाला 1000, मतलब रेशियो क्या हो गया 1:1 है ना, तो ये मिड पॉइंट के बीच वाले को कैसे निकालोगे, एक्स एक्स के लिए क्या लोगे, एक्स वन और एक्स टू लोगे, और इस वाले x1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, इस वाले x2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, मजा ले कोई फ़र्क पड़ेगा, और ये हमारा हो गया x1 प्लस x2 बाई टू, क्या हो गया
एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और y इक्वल टू क्या हो गया वाई वन, इसी तरीके से वाई वन। तो मीड पॉइंट, किसी का मीड पॉइंट अगर निकालना ना दो पॉइंट का, तो दोनों पॉइंट को ऐड करके दो से डिवाइड कर लो और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ऐड करके दो से डिवाइड कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोई बड़े ध्यान से। स्टैंडर्ड वाले बच्चे जिसने स्टैंडर्ड मैथ्स रखना है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखो। इन वाट रेशियो द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव डिवाइड्स द लाइन फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मैं जल्दी नहीं लिखना चाह रहा था कि पॉइंट्स कुछ भी टू थ्री तो सेटिस्फाई करेगा ना सत्यानाश, और फिर -3, 1। ठीक है, -3, 1 क्लियर। -3 एक काम करो, -5 अब ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब कहने का मतलब ये एक लाइन है। लाइन कौन से समझो, ज्योमेट्रिकली मैं समझा रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, और एक पॉइंट ये है ए, ए क्या है 2, 0, और दूसरा पॉइंट है ये बी, बी क्या है भाई -3, -5। इसको मिला दिया, एक लाइन बन गया। इसको ये वाला लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, पहला ए है, ए रेशियो मान लिया k:1। लेट दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाई दिस एंड दिस पॉइंट्स इंटू k:1 इंटरनली, ये मान लिया, बस हमें k निकालना है। ठीक है, अब जरा एक काम करना, समझ में आ गया फिगर, ये कह रहा है बस आपको k निकालना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समझ में आ गया भाई। अब मैं बनाता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिए। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक तरफ से a लिया था, फिर से मैं बना लेता हूँ, और यहाँ पे a क्या था 2, 0, और ये क्या था, ये था -3, -5, है ना, ये वाला पॉइंट मैं बी ले लेता हूँ, और ये पॉइंट है जो इस लाइन को एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मैं समझाने के लिए दोबारा फिगर बना रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने ले लिया, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देता हूँ ए और बी। एक्स और वाई तुम ले नहीं सकते क्योंकि एक्स वाई इन्होंने यूज किया हुआ है, तो जो चीज़ यूज़ किया हुआ है उसको कैसे ले सकते हो, वैसे भी एक्स वाई में इक्वेशन होता है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ये जो है ना, ये लाइन इस लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पे, और किस रेशियो में काट रहा है, k:1 में। फिगर को ढंग से देखो, पॉज करके देखो गौर से फिगर को, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सारा फिगर में उतर गया ये सारे क्वेश्चंस, है ना। अब जरा देखो क्या है, मैंने क्या लेट किया, k:1 में डिवाइड कर रहा है, कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ए बी पे, है ना, पी ए बी पे डिवाइड कर रहा है। अब मैं बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला लिखना पड़ता है, बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ए ए के लिए क्या लूँ 2 और -3 लूँ, अब सिस्सा के लिए, अब सिस्सा लीजिए 2 और -3, 2 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, है ना रे, 2 × 1, अब प्लस -3 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए k से, तो -3k/(k+1, -3) को किससे मल्टीप्लाई किया, ये तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया 2 - 3k/(k+1), ए निकल गया। इसके बाद देखिए आप बी 0 को किससे मल्टीप्लाई करें 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 को मल्टीप्लाई करो 1000 से भी, तो -5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -5 को मल्टीप्लाई करोगे k से अपॉन k+1, तो b इक्वल टू क्या हो गया -5k/(k+1)। देख रो, हमें k निकालना था, रेशियो k अभी भी नहीं निकला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, k अभी भी निकला, ये पॉइंट निकल गया k के फॉर्म में। ठीक है, ताक लो अच्छे से। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव है ना, ये देखो यहाँ से इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट से पास कर रहा है, तो पी से भी पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जब पी से कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करेगा तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, उस पॉइंट को उस लाइन पे पुट करेंगे तो LHS RHS बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये देखो क्लियरली, थोड़ा भी कन्फ्यूजन है ना तो ये लिख लो क्लियरली, x प्लस वाई इक्वल टू फाइव पासेस थ्रो, पता नहीं मेरा राइटिंग कभी सुधरेगा ही नहीं, है ना, पासेस थ्रो
किससे पास कर रहा है, ये वाला पॉइंट पी ए बी, तो सेटिस्फाई करेगा देयर फोर ए प्लस बी इक्वल टू क्या 5, एक जगह क्या रखेगा 2 माइनस 3 के अपॉन के प्लस 1, बी की जगह क्या रखोगे माइनस 5 के अपॉन के प्लस 1, और ये किसके बराबर करोगे 5। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, के प्लस 1 2 माइनस 3 के माइनस 5 के इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 8 के इक्वल टू 5 के प्लस 5। अब यहाँ पे 5 को इधर लेके और 2 माइनस 5 इक्वल टू 5 क्या हो गया 13 के, यहाँ से तुम k को माइनस 3 तो k इक्वल टू क्या हो गया माइनस 3 अपॉन 13। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है एक्सटर्नली, तो वो मैंने बताया नहीं, फिलहाल तो लिख देता हूँ पर एक्सटर्नली नेगेटिव नहीं आना चाहिए, आपके सिलेबस में नेगेटिव है भी नहीं पर आ भी गया ना तो एक्सटर्नली मतलब ये जो पॉइंट था ना ये ए और बी के अंदर नहीं था बल्कि बाहर से काट रहा, लाइन को जब प्रोड्यूस करेंगे ना तो वहाँ से काट रहा, तो एक्सटर्नली ये आपके सिलेबस में नहीं है, नेगेटिव नहीं आता, पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन, सेक्शन फार्मूला की ये 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड पॉइंट डी, डिस्टेंस फार्मूला से भी किया था, तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस फार्मूला से किया था, ए बी सी डी इक्वल होना चाहिए, ए डी बी सी इक्वल होना चाहिए, है ना, अपोजिट साइड इक्वल हो गया पैरेललोग्राम, पर वो थोड़ा टफ पड़ेगा। आपको पता है पैरेललोग्राम का एक खास प्रॉपर्टी क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, इसकी बात करो, ध्यान से सुनना, डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर। मैं क्वेश्चन फर्स्ट पे शुरू हो जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे, है ना, ये एक डायगोनल सी है, एक डायगोनल सी है, मतलब बाइसेक्ट इच अदर, ये वाला डिस्टेंस सेम, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम, देख रहे हो, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो एक को ए ले लेता हूँ, ए तुम्हारे सामने ही है सारा कुछ पॉइंट, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको क्या लिखना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी, एक डायगोनल ए सी एंड दूसरा क्या हो गया बी डी आर सेम, मानते हो कि नहीं, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करें दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो मैं मिड पॉइंट निकालता हूँ, है ना, यहाँ पे ये 5-1 दे रखा, 5-1 दे रखा, और ये क्या दे रखा भाई 3-7, तो यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ ए सी मैं निकाल देता हूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन, याद है ये फॉर्मूला याद है, बाई टू, तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 3, हैं ये हो गया 5+3 एंड ऑलमोस्ट सत्यानाश होते होते लगे अभी, ये हो गया 4-3, देख लो 5+3 8, और ये हाँ, तो एसी का क्या हो गया, यही हो गया, अगर एसी का मीड पॉइंट यही हो गया तो फिर बीडी का भी मीड पॉइंट यही होगा, तो मीड पॉइंट ऑफ बीडी निकालता हूँ, मीड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी ये क्या था भाई 4, वहाँ से देख रहा हूँ 4+x/2 और क्या -1, मतलब y-1/2, क्लियरली दोनों के मिड पॉइंट सेम होने चाहिए, पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स मतलब ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, तो क्लियरली 4+x/2 को किसके इक्वल करूँ 4 के इक्वल, तो यहाँ से x निकालोगे, यहाँ से x क्या हो जाएगा 4 2 8 4 दिख रहा मुझे तो, है ना, और फिर ये वाला इसको किसके बराबर करोगे, ये वाले को किसके बराबर करोगे 3 के, दोनों के मीट पॉइंट सेम है, तो y-1/2 इक्वल टू क्या करने वाले हो इक्वल टू 3, तो यहाँ से तुम y को निकालो तो 3 2 6, तो y इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मीट पॉइंट निकल गया। अगला देखिए ज़रा, यहाँ से सुनो, बार बार देखना, दोबारा पूछ लेना, सेंट्रॉइड्स ऑफ ट्रायंगल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल, इसका सेंट्रॉइड्स निकालना है, थोड़ा बेसिक चीज़ समझिए, नाइन्थ का कुछ याद कर लो, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये दे रखा वर्टिसेस, अब इसका सेंट्रॉइड्स निकालना है,
सेंट्रॉइड्स किसको कहते हो, जहाँ पे सारे मीडियंस मिलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हो, सेंट्रॉइड्स, जी जी हो गया सेंट्रॉइड्स, कैपिटल जी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड्स, ठीक है। और क्या जानते हो सेंट्रॉइड्स के बारे में, सेंट्रॉइड्स जो है ना किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसको मैं डी लेट कर लेता हूँ, इट मीन्स अगर ये ए डी मीडियन है तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। समझो ए डी इज मीडियन, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट। ये मुझे लिखना तो नहीं चाहिए था पर समझाने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी मीडियन, इसके मिड पॉइंट से मिलाएंगे मीडियन, इसको मिड पॉइंट से मिलाएंगे मीडियन, सारे मीडियन एक ही जगह पे, ठीक है। अगला एक बात बताओ, तो डी मिड पॉइंट है तो पहले मैं डी निकाल लूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया। डी कैसे निकालोगे, बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, मिड पॉइंट ऐसे निकालते हो ना। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सॉरी बी सी, तो डी हो गया, है ना। तो डी कैसे निकालो, कौन सा फार्मूला से, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, मिड पॉइंट निकाला आ गया ना। अगला देखो, ध्यान से सुनना जी। अब एक काम करता हूँ मैं, एक अलग से ऐसे एक लाइन खींच लेता हूँ, समझ जाओ। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैं ए रखता हूँ, यहाँ पे डी रखता हूँ। ए क्या था यहाँ पे, एक्स वन वाई वन, और डी क्या था, डी यहाँ पे था एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू एंड वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, और यहाँ पे जी है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अब देख रहे हैं इस फिगर को, मैंने ए डी को मैंने अलग से लिख लिया, जी जी यहाँ पे आ गया, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये यूजलेस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि सेंट्रॉइड्स, सेंट्रॉइड डिवाइड्स, डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, है ना, 2:1 में डिवाइड करते हैं। अब मैं लगाता हूँ सेक्शन फार्मूला, मुझे ये जी फाइंड आउट करना था। जी को मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, एक्स और वाई, सिर्फ सेक्शन फार्मूला। एक्स इक्वल टू, एक्स के लिए एक्स वन लोगे, इस एक्स वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वन से, और फिर एक्स के लिए शुरू वाला सारा लोगे कि नहीं, फिर क्या लोगे, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू से, अपॉन वन प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, देखो तो टू से टू कैंसिल, तो क्या हो गया, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई वन प्लस टू। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, क्लियर, ये हो गया। समझ में आ गई सबको, दोबारा से आप पूछ लेना, नहीं तो इम्पॉर्टेंट है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप पूछ लीजिएगा। फिलहाल तो रिवाइंड कर करके देखो, मीडियन मीड पॉइंट हमने निकाला था, फिर सेंट्रॉइड्स 2:1 में डिवाइड करता है, तो हमने फिर कौन सा लगाया था, सेक्शन फार्मूला लगाया था, भाई यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट का जो क्वेश्चन रह गया था ना, यहाँ पे फिलहाल तो मिट गया, तो लास्ट का क्वेश्चन ये था, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2-1 एंड 5-6 इज बाइसेक्टेड एट पी, इफ पी लाइज ऑन द लाइन 2x + 4y। बेटा ध्यान से सुनना, एक लाइन दे रखा 2x + 4y + k = 0, लास्ट वाला है ना क्वेश्चन, रिवाइंड करके देख लेना क्या क्वेश्चन था, मैं समझा देता हूँ। वैसे ये लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दे रखा, एक दे रखा चलो a मान लिया 2-1 और दूसरा दे रखा 5-6, दूसरा को b लेट कर लेता हूँ 5-6, है ना। कहते हैं इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, उसको ये वाला लाइन बाइसेक्ट एट p, बाइसेक्ट कर रहा p पे, बाइसेक्ट का मतलब समझ रहे हो, इक्वल पार्ट में, मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला रेशियो अगर वन है, डिस्टेंस अगर वन है, तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या हो गया, वन। इसका मतलब जो p है ना, AB का क्या है, मीड पॉइंट है,
उस मीड पॉइंट से ये वाला पास कर रहा है, तो K फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप P को कुछ लेट कर लो ए बी, क्योंकि एक्स वाई लेट नहीं कर सकते, इन्होंने यूज किया हुआ है। तो जरा बताइए मीड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बाइसेक्ट का मतलब मीड पॉइंट कैसे निकालते हो, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू माइनस सिक्स बाई टू, ए इक्वल टू क्या हो गया सेवन बाई टू एंड माइनस सेवन बाई टू, राइट, सॉरी ए हो गया, ए और बी हो गया, ये हो गया तुम्हारा पी निकल गया, मैंने एक साथ निकाल दिया ए और बी, ये ए और ये बी निकल गया। अगला देखो, पी लाइज ऑन टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, पी इस लाइन पे है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक काम करो ए और बी हमने रखा हुआ है, मतलब सेटिस्फाई करेगा फोर बी प्लस के इक्वल टू जीरो, ए की जगह क्या निकला तुम्हारा, ए की जगह निकला सेवन बाई टू और बी की जगह क्या निकला माइनस सेवन बाई टू प्लस के इक्वल टू जीरो, यहाँ से के निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यहाँ से के निकल जाएगा। तो मैं आज सेक्शन फार्मूला ज़्यादा बेसिक डिस्कस नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि बच्चे बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे ये फील हो रहा है कि बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो एकदम ज़बरदस्त है ना। तो आप वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर दो, मैं दोबारा से बता दूँगा, है ना। आज होमवर्क दे देंगे सेक्शन फार्मूला का, अब उसको बनाने की कोशिश करना, फिर लास्ट टॉपिक रहेगा एरिया, तो एरिया फाइंड करने वाला, ठीक है भाई।